अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बॉर्डर बनाना सिखाया था कि कैसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया से बॉर्डर बनाते हैं और वो कितना प्यारा बनता है। अब मैं यही जो मैंने कुछ चेन डाल के ऊपर मैंने डबल क्रोशिया सादा जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं डबल क्रोशिया स्टिच इन सारी चेन के ऊपर बना लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक ही टाइम में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया का बॉर्डर कैसे बनाते हैं। अब ये वाली लाइन सीधी रखने के लिए तीन चेन बना लिए हैं। तो अब ये पहला जो है इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया से बनाएंगे। पहला जो डबल क्रोशिया उसके अंदर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया सामने से बनाएंगे और दूसरा पीछे से ऐसे ऐसे पिछली तरफ से क्रोशिया डाल के ऐसे एक दफ़ा फ्रंट पोस्ट और एक दफ़ा बैक पोस्ट ऐसे भी आप बॉर्डर बना सकती हैं। ये फ्रंट पोस्ट है और ये बैक पोस्ट। मेरी पिछली वीडियो को अगर आप देखेंगी तो उसमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट क्रोशिया बनाना आप सीख सकती हैं। से ये फ्रंट पोस्ट है और ये बैक पोस्ट। ऐसे ये बनेगा। ये आपकी चॉइस है कि आप कैसा बॉर्डर बनाना चाहती हैं। कोई भी आप चीज़ बनाने लगी हैं उसके शुरू में या स्टार्ट में उसके स्टार्ट में या एंड में उसके बॉर्डर बनाना होता है तो फिर आप कैसे बॉर्डर बनाएंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको सीधा बॉर्डर बिल्कुल बनाना सिखाया और अब ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आप बैक पोस्ट डबल क्रोशिया एक वक्त में कैसे बना के तो बॉर्डर बना सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये ऐसे बनता जाएगा। ये हाफ ये फ्रंट पोस्ट है और अब अगर इसको यही वाले डबल क्रोशिया के अंदर से पीछे से ऐसे इसको बनाएंगे तो ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया होगा। अब मैं ये पूरी लाइन मुकम्मल करके बताती हूँ कि अगली लाइन में क्या करना है। आखिरी जो था उस पर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो तीन चेन है ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे सीधी रखने के लिए अब ये जो तीन चेन बनाई थी स्टार्ट में इनके जो जो सबसे ऊपर वाली चेन है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे ताकि ये जो लाइन है ये सीधी रहे बिल्कुल। और अगली लाइन स्टार्ट करने से पहले तीन चेन बनाएंगे। अब इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस पे फ्रंट पोस्ट डबल ये इस पे फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे और ये हाफ पीछे से बैक पोस्ट है इसको बैक पोस्ट बनाएंगे। जो सामने है उसको सामने की तरफ से और ये पीछे है इसको पीछे की तरफ से ये सामने ये फ्रंट पोस्ट है और ये बैक पोस्ट। फ्रंट पोस्ट है और ये बैक पोस्ट। ऐसे ही बनेगा।
आप कोई भी चीज़ बना रही हैं तो अपनी ऊन के हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से आप बॉर्डर बना सकती हैं। थोड़ा सा बना के देख लें कि आप जैसा बनाना चाह रही हैं वो कैसा है। मेरी जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बॉर्डर सिखाया है, आप अगर वो वाला बनाना चाहती हैं तो वैसा बना लें। अगर ये मिक्स वाला बनाना चाहती हैं, फ्रंट और बैक पोस्ट मिक्स ये बना रही हूँ, तो ऐसे भी आप बना सकती हैं। अगर सिलाइयों के साथ जब कोई चीज़ बनाते हैं उसके बॉर्डर में भी ऐसे ही काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, उसको वो भी ऐसे ही बनते हैं। ऐसे ये पूरी लाइन मुकम्मल करके तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। ये वाली रो मैंने मुकम्मल कर ली है, ये ऐसे बनेगा। एक दफ़ा फ्रंट पोस्ट और एक दफ़ा हाफ बैक पोस्ट। ये फ्रंट पोस्ट है और ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसका बॉर्डर ऐसे बनता है। अब मैं अपनी आने वाली कई वीडियो में मैं आपको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया से और बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं, मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। आप मेरी वीडियो देखती रहें और अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको ज़रूर सिखाने की कोशिश करूंगी। आप मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ।